गड़िया, गुड मॉर्निंग। पहला कैसे आप सभी लोग, मुख ढोड़ा चलो। ओह दगड़िया, गुड मॉर्निंग। पहला कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो दगड़िया मैं वैसे लाओ तुम उल्लू, मैं वैसे लाओ तुम उल्लू। चल तो मैं वैसे लाओ उत्तराखंड अल्मोड़ा से। तो मैं वैशाली रावत उत्तराखंड अल्मोड़ा से आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए व्लॉग में। आज मेरे ट्यूशन और स्कूल की छुट्टी है, तो अभी फिलहाल थोड़ी देर में मुझे नहाना है और मम्मी घास काटने गई है, अम्मा नीचे खेतों में है और पापा गए हैं ड्यूटी। और नीचे हमारे छत पे गेहूं सुखाने के लिए डाल रखे हैं, तो आज हमें गेहूं की छुटाई भी करनी है। आज वैशाली की छुट्टी है तो वैशाली ने आज का व्लॉग भी स्टार्ट कर ही दिया है ना। अभी फिलहाल वैशाली को नहाने जाना है, तो ठीक है फिर नहा के आ। और बाकी हमने यहाँ पर छत में ना गेहूँ सुखाने के डाल रखे हैं दोनों छतों में और यहाँ नीचे भी प्रांगण में भी। तो आज इन गेहूँ की हमें छुटाई भी करनी है दिन के टाइम में, है ना। बाकी देखो मम्मी भी आ गई घास से, यो मम्मी और चाची दोनों साथ में गई थी और साथ में आ भी गई है। हेलो। और यहाँ नीचे वाली छत में भी देख रहा हूँ हमने गेहूँ सुखाने के डाल रखे हैं और वहाँ परछाई में देखो हूँ ब्लॉगिंग करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। ये हाथ में मेरा फोन और ये मैं ढिंग टिक 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 हाँ। सामने अम्मा कर रही है प्याज की गुड़ाई और यहाँ पर आज अम्मा ने निकाल दिया खेत से क्या ये लहसुन। देखो थोड़े दिनों बाद हमारा भी लहसुन निकालने के लायक हो जाएगा, है ना अम्मी। निकालना का दिन जाना हल पे हो हमार, मतलब एक दो हफ्ता लगा। दोस्तों लली ने आज फिर यहाँ पर गद्दे के खो यहाँ पर धो के देखो धूप में सुखाने के लिए रख दी है। जो भी इनसे चुनैन और गनैन बात थी आज वो फिर से साफ हो गई है ताई जी की। यहाँ पर साफ कर दिया लली ने सब कुछ, क्योंकि इसको साफ सफाई बहुत अच्छी लगती है और ये हर महीने में इनको धो देती है ना। क्योंकि ताई जी यहाँ पर रोना बाट ना करन दगड़ी को गनैन तो इनको धोना पड़ता है टाइम टू टाइम हर महीने में। ये पिछले महीने मैंने आपको दिखाया था, लेकिन इस महीने फिर से धुल के आ चुके हैं। देखो यार ललित तेरी मम्मी तो बड़ बुझ बेटा जी यार हर महीने है। अच्छा आप धरण चने चलो जा आप भेद हलचो ले लिया आप जरा चौधर दिन फिर लो तो दिक्कत ना हो जते खो दिन में होता है तो को नहीं पे आपने ठीक ना आप ढगे दिन ना होना उचित लाभ ना नहाई होय आप गरम मस्त होनो पंख चाणो फेंकी चने पंख यार हम चाणो फेंको बाप मैं चाणो फेंकी ना ना हम तलियो कमरमन चन्ना तिमंजल में चाणो फेंको मंजिल में तार लगने पे वहाँ चलाना फेंको। तो आज सब साफ सफाई है कि बाप अब रजा गद्दा सब आप पैक डाल पाप सीधा ठंडी में निकलाल ना बच रहा होला क्यों ना हो चलो जेल फपे हकीन कैल देख रहा है ऐल देखो गर्मी काटो पहली आम खाओ किला लाग रही है तो फाव आ रहा है। मतलब गेहूं की चुटाई भी हमारी 3-4 दिन की है, जल्दी हो जाएगी। मतलब 3-4 दिन में हमारी गेहूं की चुटाई पूरी हो जाती है। बस 3-4 दिन का बबाला है ये, है ना। हाथ पैरों में खरोच चिरायल मिलायल मचले 3-4 दिन, लेकिन कोई बात नहीं है ना, फिर आटा भी आएगा। तो चलिए फिर पहले अब हम लंच कर लेते हैं, है ना। फिर हमको गेहूँ की चुटाई भी करनी है, तो आज हम थोड़ा जल्दी खा लेते हैं, है ना। हाँ हिटो पे वैशाली भी चुटेगी अभी ये हिटामो कह रहा आज अरे जर आज भी खाने में है मेरा फेवरेट छोली भात और टपकी। और ना मुझे मोह है धन का, ना मैं अमृत पीना चाहता हूँ। बस जितनी बार जन्म मिले मुझे मेरे भुला, मैं अपने उत्तराखंड में छीना चाहता हूँ। चलो अब यहाँ पर मम्मी कढ़ाई चाट रही है लास्ट में, तो लोही की कढ़ाई के मजे लास्ट में मम्मी लेती है रोज। यो चाहे उसमें दाल बने या झोली बने। ये सुगुन मम्मी कढ़ाई चाट बेर मिलू ने तो दोस्तों फाइनली वक्त आ गया हमारा इस सीजन की, अब जो हमारी गेहूं की फसल हो रखी है उसकी चुटाई का, है ना। तो अब फाइनली हम आप चूटते हैं। बाकी आधा एक घंटा हमने रेस्ट भी कर लिया खाना खाने के बाद, और दिन के 1:30 बज गया है। तो मम्मी अब यहाँ पर चुटाई में लग गई है। तो चलिए फिर अब मैं भी मम्मी के साथ लगता हूँ, है ना। बाकी अभी तो फिलहाल ज़्यादा नहीं है, बस यही 2 छतों के हमें चूट रहे हैं ये। तो फ़ोन को लगाता हूँ मैं स्टैंड में, बाकी आप चूटना शुरू करते हैं। तो गेहूं की चुटाई हमारी लगभग बस अब खत्म होने वाली है। अब यहाँ पर ताई जी भी आ गई है गेहूं चूटने के लिए, हमारी मदद करने के लिए। अब मम्मी जो गेहूं फेंक रही है ना, बस लास्ट बार और नीचे फेंकने हैं, बाकी इतने से और चूटने हैं। जिसके ऊपर ताई जी ये चूट रही है ना, जो पाथर का सपोर्ट और नीचे इतना बड़ा गिंट लगा रखा है, ये इसे बोलते हैं ताड़, जिसके ऊपर ताई जी चूट रही है। इस हफ्ते में हो जाएगी हमारे गेहूं की पूरी चुटाई फाइनल। अभी बस 1-2 खेत और बच रहे हैं कटाई के लिए, बाकी फिर 2-3 दिन वो भी सोखेंगे, फिर उनकी भी चुटाई हो जाएगी। तो इस हफ्ते में हो ही जाएगा हमारा पूरा लगभग। हट जा मम्मा खिद्दून, हट जा मम्मा बहुत सी जगह में ऐसा होता है ना, गेहूं की बालियाँ ही बालियाँ काट के लाते हैं और घर आके सॉइल से चूटते हैं। लेकिन हमारी साइड को ऐसा होता है कि देखो पूरा इतना काट के लाते हैं, फिर घर आके ऐसे पाथर को ऐसे तिरछा करके इसके ऊपर चूटते हैं। और कई जगहों में तो उसके ऊपर बैल को चलाते हैं, जैसे भी हमने पूरा फैला रखे हैं ना, इसके ऊपर बैल घुमाते हैं और अपने आप ही वो दाने अलग हो जाते हैं। हर जगह का अपना अलग अलग स्टाइल है, जिसको जैसा अच्छा लगता है। लेकिन हमारी साइड को ऐसा होता है जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ताड़ के ऊपर चुटाई बैग कैसे दिखी ना वो बगलाली अम्मा बोल रही मेरी मम्मी शर्ट पहन के बैग दिखी नहीं है बिल दूर पे। हाँ आदमी ऐसी बैग उसको बोलते हैं, आदमी को। हाँ, और मम्मी ने ना पापा की शर्ट पहन रखी है परसों तक मेरी पहन रखी थी वो ब्लैक वाली, आज पापा की पहन रखी है। हाँ अच्छा, आप चल दी बुशकट हैगी अब क्या करना है, अब ना सॉइल से चूटना है, क्योंकि इसमें ना बाले भी झड़ रखे होंगे ना चुटाई के वक्त। तो जो बाले झड़ रखे होंगे, आप इसके ऊपर से हम सॉइल मारेंगे, सॉइल से चुटाई करेंगे। तो जो दगड़ियों बालल में गुद लग रही ना, उला मिश्रिकन इमा आ जाला। डोहरे बापरे, अरे तब हम त्राण होना जरा ने बिनु उसी शांति न होने ऐसी थोड़ी मिलती चीजें। देखो कितनी मेहनत करी आज मैंने, मम्मी ने, ताई जी लोगों ने, तब जाके थोड़ा हमारे लिए खाने के लिए अब रोटियां मिलेंगी हमें। देखो बाप हो, आप बता गए यार मरा भरे खाना भले चिताई ने भले चिताई जैसे तब काम करो झेल हाथ ठड़ाई देनी यार हो हम पात तो फिर उदू ने जब इधो का मैं इधो आफत आ रहा है को नहीं ने हो भल भर जना बानंदन खा दी हमार गेहूँ नल्ली ऐसे को तो आप तुझे हमार मो बानंदन बहुत बहुत धन्यवाद करण चाह बानंद न खाना ऐसे हम कदू घाण है झूठो हम चुटान भल भो यार चलो जी रिया हो बानरो आते रहे ऐसे गार्डन कर तो फाइनली दगड़ियों काम वाम हमारा पूरा हो गया आज का है ना, चुटाई से लेकर बताने से लेकर फटाओ सब कुछ हमारा हो गया है। और बाकी गेहूं हमने यहाँ पर एक कट्ठे में स्टोर करके रख दिया है अभी फिलहाल। और ये कट्ठा है 50 किलो का, तो गेहूं हमारे देखो इतने हो रखे हैं, कुछ ही मतलब हो ही रखे हैं 25 किलो से तो ऊपर ही 25-30 किलो क्योंकि यहाँ तक हो रखे हैं। दोस्तों अभी फिलहाल मैं और गोलू भाई जा रहे हैं लिगुड़ता सामान वामान लेने के लिए। बाकी भाई को तो लाना है राशन लिगुड़ता से, और मैं भी बैग ले जा रहा हूँ, इसमें कुछ छोटा मोटा सामान मैं भी लेके आऊँगा है ना। दिन भर घर में बैठे बैठे बोरियत तो जा रही है, तो आज थोड़ा शाम को लिगुड़ता का एक राउंड लगा के आते हैं, छोटा मोटा कुछ सामान लेके आते हैं। खुशी मिलती है मुझे मेरे पहाड़ों में, बीते मेरे दिन देख कई सालों में, जहाँ देखूँ आना पल के झुका लूँ मैं, पहाड़ों पर ही बस जिंदगी बिता लूँ मैं। खुशबू मेरे पहाड़ों की मिट्टी पर, जाना कहाँ जब पहाड़ों पे मेरा घर, ऊंचे पहाड़ों पर घूमूं मैं बेफिकर, बैठा रहूँ बस ठंडी हवाओं पर।